नमस्कार, मैं अर्जुन रावत और स्वागत है आपका आपके इस चैनल स्टार्ट इन्वेस्टमेंट में। आज हम बात करेंगे दोस्तों कि किस तरह से हम लोग इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। आज की डेट में दोस्तों इंश्योरेंस खरीदना बहुत ही कॉमन है, चाहे वो बाइक का इंश्योरेंस हो, चाहे हेल्थ इंश्योरेंस हो या लाइफ इंश्योरेंस हो। लेकिन हम लोग करते क्या हैं कि इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। तो आज की इस वीडियो में देखते हैं दोस्तों कि इंश्योरेंस को इंश्योरेंस के पर्पज से ही खरीदा जाए और इन्वेस्टमेंट को इन्वेस्टमेंट के पर्पज से ही, इन दोनों को मिक्स ना करें। देखते हैं दोस्तों किस तरह से। सबसे पहले हम इस वीडियो में देखेंगे दोस्तों कि इंश्योरेंस होता क्या है, कितने तरीके का होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है और हम लोग किस तरह से इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं और किस तरह से हम मिक्स करने से बचें। तो देखते हैं दोस्तों, सबसे पहले तो इंश्योरेंस क्या होता है दोस्तों। इंश्योरेंस एक कॉन्ट्रैक्ट होता है एक इंश्योरेंस कंपनी और एक पर्सन के बीच, एक इंसान के बीच या एक व्यक्ति के बीच जो उसको खरीदता है। किस तरह का कॉन्ट्रैक्ट होता है दोस्तों कि अगर इस व्यक्ति को कुछ, इस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है या इस व्यक्ति ने जिस चीज का इंश्योरेंस करवाया, जैसे कि इसने बाइक का इंश्योरेंस करवाया, उस बाइक को कुछ नुकसान हो जाता है, एक्सीडेंट हो जाता है, तो उसकी जो क्षतिपूर्ति होगी उसकी पेमेंट कौन करेगा? ये इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी करेगी। इसके बदले में जो ये इंश्योरेंस खरीदने वाला व्यक्ति है, ये व्यक्ति क्या करता है, कुछ प्रीमियम देता है किसको? इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी को। तो ये तो हुआ इंश्योरेंस दोस्तों। जनरली इंश्योरेंस दो तरह से होता है, एक तो होता है लाइफ इंश्योरेंस और दूसरा होता है दोस्तों जनरल इंश्योरेंस, जिसको कि साधारण इंश्योरेंस कहा जाता है, साधारण बीमा कहा जाता है, जिसमें कि बहुत सारे आते हैं, जैसे कि हेल्थ का बीमा हो सकता है, व्हीकल का बीमा हो सकता है। जैसे कि आज की डेट में कॉमन है दोस्तों, हमारे पास अगर बाइक है तो हम बाइक का बीमा करवा लेते हैं, स्कूटी है तो स्कूटी का करवा लेते हैं, होम घर का भी बीमा होता है दोस्तों। तो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि अगर जिस व्यक्ति ने लाइफ इंश्योरेंस खरीदा है उस व्यक्ति का अगर बीमित या जो उनका उसका इंश्योरेंस का जो पीरियड है, उस पीरियड में उसकी मृत्यु हो जाती है, तो उसकी मृत्यु होने की वजह से जो ये बीमा बेचने वाली कंपनी है वो उस व्यक्ति के आश्रितों को, उस व्यक्ति के जो डिपेंडेंट है, उस व्यक्ति के जो घर वाले हैं, उनको बीमा की राशि देती है, जिससे कि उनकी लाइफ में फाइनेंशियली कोई परेशानी ना आए, मतलब वो फाइनेंशियली किसी और पे डिपेंडेंट ना हो और उनको ज्यादा परेशानी ना हो। दूसरा जो बीमा होता है दोस्तों वो है जनरल इंश्योरेंस, जिसमें कि हेल्थ, व्हीकल, होम। इसमें क्या कि सपोज अगर आपने हेल्थ इंश्योरेंस खरीदा है तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदने के बाद क्या होगा कि आप किसी भी व्यक्ति को अगर कोई बीमारी हो गई, एक्सीडेंट हो गया उसका, तो जो इंश्योरेंस करने वाली कंपनी है वो क्षतिपूर्ति देगी, वो उसका इलाज करवाएगी। उसी तरह से जैसे व्हीकल इंश्योरेंस है, अगर किसी ने बाइक का इंश्योरेंस खरीदा है और उसका एक्सीडेंट हो जाता है बाइक का, तो जो बाइक की जो भी क्षतिपूर्ति होगी उसकी पेमेंट कौन करेगा? इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी। उसी तरह से घर का भी है दोस्तों, घर को कुछ क्षतिपूर्ति होती है तो उस क्षतिपूर्ति की भरपाई कौन करेगा? ये इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी। देखते हैं दोस्तों कि इन्वेस्टमेंट क्या होता है। इससे पहले हमने देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है और इसके इंश्योरेंस खरीदने का हमारा पर्पस क्या होना चाहिए और इन्वेस्टमेंट क्या होता है दोस्तों। आप देखते हैं कि कोई भी असेट जब हम खरीदते हैं कि इस असेट को खरीदने के बाद हमारी कुछ ना कुछ इनकम जनरेट होगी, इसलिए हम इन्वेस्टमेंट करते हैं। अब हम लोग करते क्या है दोस्तों कि जो हमारा लाइफ इंश्योरेंस है, जो व्हीकल इंश्योरेंस होता है, होम इंश्योरेंस होता है या हेल्थ इंश्योरेंस होता है, उनका तो पर्पस फुलफिल हो जाता है दोस्तों। उनको हम उसी पर्पस के लिए खरीदते हैं जिसके लिए कि वो बने हुए। जैसे हेल्थ इंश्योरेंस है तो हम हेल्थ इंश्योरेंस खरीदते हैं, हमारी हेल्थ में अगर कुछ गड़बड़ हो जाती है, अगर हमें कुछ परेशानी हो जाती है तो वो कंपनी हमें पे करती है नियर फ्यूचर में। अगर कोई बीमार हो गया, किसी का कुछ बहुत ज्यादा परेशानी हो गई, जैसे कि किसी की किडनी फेल हो गई, तो कंपनी क्या करेगी, इंश्योरेंस वाली उसको इलाज करवाएगी, उसका उसकी किडनियां ठीक करवाएगी या ट्रांसप्लांट करवाएगी, चेंज करवाएगी। लेकिन लाइफ इंश्योरेंस को हम लोग बहुत ज्यादा मिक्स कर देते हैं किसके साथ, इन्वेस्टमेंट के साथ। बहुत सारी जैसे स्कीम चलती हैं दोस्तों, एक स्कीम चलती है जैसे लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन की, LIC की,
मैं बुराई नहीं करना चाहता हूं दोस्तों LIC की, लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूं कि किस तरह से हम लाइफ इंश्योरेंस को इन्वेस्टमेंट के साथ मिक्स कर देते हैं। हमारे घर में दोस्तों एक छोटा बच्चा पैदा होता है और हम क्या करते हैं, जाते ही उसकी LIC करवा लेते हैं। और LIC की फुल फॉर्म क्या क्या है दोस्तों, लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन। तो उसकी जिंदगी का हम बीमा करवा देते हैं। किसका, जो हमारे घर में एक बच्चा पैदा हुआ है, अभी वो 6 महीने का हुआ है या साल भर का हुआ है। तो क्या दोस्तों उस बच्चे को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है, आप अपने आप से पूछें। लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत किसको है, लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत उस व्यक्ति को है दोस्तों जिसकी उम्र लगभग 25 से 30 साल या 25 साल वो क्रॉस कर चुका है। उसके ऊपर लाइबिलिटीज हैं, उसके ऊपर जिम्मेदारियां हैं, उसके 2 बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं जो कि उसी व्यक्ति पे आश्रित हैं। अगर उस व्यक्ति को कुछ हो जाता है तो उसके मम्मी पापा लाचार हो जाएंगे, उसके बच्चे लाचार हो जाएंगे, उसकी बीवी लाचार हो जाएंगे, उनकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो जाएगी। तो जो व्यक्ति 25 साल का है, जिसकी शादी हो रखी है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, उस व्यक्ति को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। क्योंकि अगर उसको कुछ हो गया तो जो इंश्योरेंस बेचने वाली कंपनी है वो पैसा किसको देगी, उसके आश्रितों को देगी। और उनकी जिंदगी थोड़ा आर्थिक जो उनकी लाइफ रहेगी, इकोनॉमिक जो उनकी लाइफ रहेगी, जो फाइनेंशियल उनकी लाइफ रहेगी, वो थोड़ा स्टेबल रहेगी। लेकिन जो एक 6 महीने का बच्चा है उसका हमने जाके इन लाइफ इंश्योरेंस खरीद लिया, बाई कर लिया, एक किस पर्पज से हम लोग खरीदते क्यों है वो लाइफ इंश्योरेंस, कि फ्यूचर में जो ये पैसे इससे वापस मिलेंगे उनका हम क्या करेंगे, इसकी इसकी जिंदगी में वो पैसे काम आएंगे। लेकिन अगर सपोज दैट दोस्तों, अगर कभी इस किसी के साथ ऐसा ना हो, किसी के बच्चे को 3 साल 4 साल में कुछ हो जाए, तो क्या वो मम्मी पापा वो लाइफ इंश्योरेंस के पैसे लेने के लिए, क्लेम करने के लिए जाएंगे उस इंश्योरेंस कंपनी के पास? अगर जाते भी हैं, पहले तो नहीं जाएंगे दोस्तों, अगर जाते भी तो उन पैसों का वो करेंगे क्या, उनका तो बच्चा ही नहीं रहा। बच्चों का लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाइए दोस्तों, बच्चों को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। अभी हमने डिस्कस किया कि लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत किसको है, जिसके ऊपर कुछ जिम्मेदारियां हैं उसको लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत है। बच्चे के ऊपर कोई जिम्मेदारियां नहीं है दोस्तों तो बच्चे को लाइफ इंश्योरेंस की जरूरत नहीं है। हाँ, आप बच्चे का हेल्थ इंश्योरेंस करवाइए, क्योंकि वो बीमार हो सकता है, हॉस्पिटलाइजेशन हो गया उसका, हॉस्पिटल में भर्ती हो गया, तो जो जो भी वहां पे खर्चा आएगा वो कौन पे करेगा, फिर इंश्योरेंस कंपनी करेगी। तो हेल्थ इंश्योरेंस खरीदे दोस्तों बच्चों का, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस नहीं खरीदे। हम लोग क्या करते हैं, लाइफ इंश्योरेंस खरीद लेते हैं, बच्चों का नहीं खरीदना चाहिए। तो अब हमें करना क्या है कि हम लोगों को यहां पे लाइफ इंश्योरेंस नहीं करवाना है बच्चे का, बल्कि उसके फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए इन्वेस्टमेंट हमें करना है। और इन्वेस्टमेंट किस तरह से करना है दोस्तों, हम फिक्स डिपॉजिट में डाल सकते हैं उसके नाम पे, या हम उसके लिए सेविंग अकाउंट खुलवा के सेविंग अकाउंट में पैसे रख सकते हैं, फिक्स डिपॉजिट करवा सकते हैं उसके नाम पे, कोई म्यूचुअल फंड स्टार्ट करवा सकते हैं, या शेयर मार्केट से कोई शेयर खरीद सकते हैं दोस्तों। तो इन्वेस्टमेंट करें बच्चे के फ्यूचर के बेटरमेंट के लिए, न कि उसके लिए लाइफ इंश्योरेंस खरीदिए। LIC मत खरीदिए दोस्तों, किस पर्पज से, कि बच्चे का बेटरमेंट होगा फ्यूचर में उस LIC की स्कीम से, कभी नहीं होगा दोस्तों, इन्वेस्टमेंट कीजिएगा। अब लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है दोस्तों, कि आज के जो लाइफ इंश्योरेंस कॉरपोरेशन है, जैसे मैं उसी का एग्जाम्पल दे रहा हूं, वो करता क्या है कि आपको जैसे 20 साल के लिए बीमा आप खरीदेंगे, हर साल आप उसमें 10,000 या 15,000 का प्रीमियम आप उसमें भुगतान करते रहेंगे, पेमेंट करते रहेंगे 20 साल। अगर 20 साल के बीच में अगर आपको कुछ हो जाता है, जो भी जिस भी व्यक्ति ने इंश्योरेंस खरीदा है, तो उसको वो क्या करते हैं, पैसे देते हैं, क्योंकि उसकी मृत्यु हो गई, उसके आश्रितों को पैसे देते हैं। और अगर 20 साल में कुछ नहीं हुआ, तो 20 साल कंप्लीट होने के बाद उस व्यक्तियों को वो कुछ सम एश्योर्ड दे देते हैं, कुछ जमा पूंजी दे देते हैं। लेकिन उस जमा पूंजी के एवज में दोस्तों, अगर आप उसको इन्वेस्ट कीजिए, आप क्या कीजिए कि जितने पैसे आप इसको इंश्योरेंस का जो प्रीमियम भर रहे हैं, उस पैसे को ब्रेक कर दीजिए, 2 हिस्सों में बांटिए आप उस पैसों को। एक हिस्से से, एक छोटे से हिस्से से आप टर्म इंश्योरेंस खरीदिए। अब देखो, मैं एक और चीज बताना चाहता हूँ दोस्तों, यहाँ पे लाइफ इंश्योरेंस कंपनीज जो जो होंगी वो कितना आपको इंश्योरेंस देते हैं। जैसे सपोज दैट आपका प्रीमियम है, जैसा मेरा खुद का प्रीमियम है एक जगह पे 12,000 रुपए पर एनम का, वो मेरे को जो दे रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस वो है 5 लाख रुपए का। अगर सपोज दैट मुझे कुछ हो जाता है इस जो मेरा बीमा खरीदा है उसके जो समय सीमा है उसमें,
तो उसमें मेरे घर वालों को वो लोग 5 लाख रुपए देंगे, तो क्या होगा दोस्तों? मेरी बीवी है, बच्चे हैं, मम्मी पापा हैं, 5 लाख रुपए में उनका क्या होगा? कुछ भी नहीं होगा दोस्तों। आज के जो समय है, आज की जो महंगाई है, उसके एवज में हम क्या कर सकते हैं कि जैसे इन्वेस्टमेंट कीजिए। इन्वेस्टमेंट में हम क्या करें कि पहले एक छोटे से हिस्से से 500 रुपये से लेकर 1000 रुपये तक एक टर्म इंश्योरेंस खरीद ले। कितने का टर्म इंश्योरेंस खरीदे? लगभग 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस खरीदे दोस्तों। 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस आपको मिल जाएगा बाजार में। एक एग्जांपल देता हूँ, मैक्स लाइफ करके एक कंपनी है, वो देती है 600 या 700 रुपये पर मंथ अगर आप जमा करते हैं, और 60 सालों तक वो आपको इंश्योरेंस देती है। और उन 60 सालों में अगर आपको कुछ हो गया तो आपको घर वालों को वो कितने देगी? 1 करोड़ रुपए देगी। लेकिन उसमें क्या होता है दोस्तों कि अगर 60 साल तक आप जीवित रह जाते हैं तो 60 साल के बाद आपको कुछ नहीं मिलेगा, वो पैसा वापस नहीं मिलेगा। जबकि जो लाइफ इंश्योरेंस में क्या होता है कि आपको कुछ पैसा वापस हो जाता है, और लोग यहीं पे अट्रैक्ट हो जाते हैं इसके प्रति कि मेरे को पैसा वापस मिलेगा। लेकिन दोस्तों आप देखिए कि कितना कम पैसा वो आपको वापस मिल रहा है। यहाँ पे देखिए कि आपके घर वालों को कितना मिलेगा? 1 करोड़ रुपए मिलेगा। जो आप पे आश्रित लोग हैं, जो आप पे डिपेंडेंट लोग, जो आप पे डिपेंडेंट लोग हैं, उनको कितना पैसा मिलेगा? 1 करोड़ रुपए मिलेगा। और 1 करोड़ से उनकी जिंदगी आसानी से या आराम से आगे निकलेगी। वो अपनी जिंदगी में जो भी कुछ करना चाहते हैं, जैसे आपके बच्चे हैं पढ़ाई लिखाई करना चाहते हैं, तो आराम से वो लोग पढ़ाई लिखाई कर लेंगे, पैसे वापस देते हैं। और टर्म इंश्योरेंस वाले जो होते हैं वो पैसे वापस नहीं देते हैं। तो मैंने क्या कहा दोस्तों कि एक टर्म इंश्योरेंस खरीद ले आप, जितना भी आप प्रीमियम पे कर रहे हैं लाइफ इंश्योरेंस के लिए, उससे क्या करें एक टर्म इंश्योरेंस के लिए, उससे क्या करें एक टर्म इंश्योरेंस आप खरीदें। और उसके बाद जो भी पैसे आपके बच जाते हैं, जो भी आपकी लेफ्ट ओवर मनी है, उससे आप क्या कर सकते हैं? एफडी कर सकते हैं, उससे प्लॉट खरीद सकते हैं, म्यूचुअल फंड भी आप खरीद सकते हैं, शेयर मार्केट में भी आप पैसा लगा सकते हैं, जैसा भी आपको ठीक लगे। आप इसको कैलकुलेट कीजिएगा दोस्तों। मैंने खुद मेरे दोस्त के साथ कंपेयर किया है, मैंने एक लाइफ इंश्योरेंस खरीदा हुआ है, और मेरे दोस्त ने क्या किया है कि जितना मेरा लाइफ इंश्योरेंस का प्रीमियम है, उसी प्रीमियम के बराबर में से कुछ पैसे निकाल के 700 या 800 रुपए पर मंथ उसने निकाले और एक टर्म इंश्योरेंस खरीदा। कितने का? 1 करोड़ रुपए का। और जितने पैसे उसके बच रहे हैं उसने डाल दिए किसमें? म्यूचुअल फंड में। तो हम पिछले 3 साल से मैं देख रहा हूं कि उसका जो रेट ऑफ रिटर्न है, तो म्यूचुअल फंड का, वो मुझसे ज्यादा है। टर्म इंश्योरेंस की जो उसकी सम एश्योर्ड वैल्यू है, अगर उसको कुछ हो जाता है, मेरे दोस्त को कुछ हो जाता है, तो उसके घर वालों को कितने मिलेंगे? 1 करोड़ रुपए मिलेंगे। मैंने खरीदा है लाइफ इंश्योरेंस, लाइफ इंश्योरेंस में मेरे घर वालों को मिलेंगे 5000 रुपए, और उसके बाद अगर कुछ नहीं होता है तो मुझे कुछ सम एश्योर्ड वो लास्ट में दे देंगे। लेकिन वो सम एश्योर्ड बहुत छोटा है दोस्तों, मेरे दोस्त के जो म्यूचुअल फंड का रिटर्न है उससे। तो दोस्तों आज की इस वीडियो में हमने देखा कि इंश्योरेंस क्या होता है, कितने तरीके का होता है, इन्वेस्टमेंट क्या होता है, टर्म इंश्योरेंस क्या होता है, और हमें टर्म इंश्योरेंस क्यों खरीदना चाहिए, और किस तरह से हम इंश्योरेंस को मिक्स करते हैं इन्वेस्टमेंट के साथ। धन्यवाद दोस्तों।